चिबड़। अरे वाह, मैं भी कहूँ ये तो चिबड़ों की बेल लग रही है। दोस्तों, अगर आपने भी चिबड़ नहीं देखे तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। लो जी, ज़रा अब हम बाग में बढ़ने लगे हैं। सुथने हमने टंग ली हैं और ये हमारा बब्बू कुत्ता है। हेलो बब्बू कुत्ते। ओ यार, किदों का बंदा है यार। दोस्तों देख लो किस तरह का काम करना पड़ रहा है मुझे। अब मैं इस बाग के अंदर कैसे घुसूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, गुज़श्ता ईद मुबारक। और मैं हूँ जनाब मुबशिर खान और आप देख रहे हैं बॉस व्लॉग। अच्छा, ऐसा है कि अभी हम शदीद बारिश हो रही है यहाँ फैसलाबाद में और मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ कहीं, और बड़ी ज़िद थी इसकी कि जनाब मेरे साथ चलें। और हम इस वक्त जा रहे हैं एक आमों के बाग में और वहाँ पर इस दोस्त के साथ हैं, तो एक व्लॉग आपके साथ बेहतरीन सा मैं समझता हूँ कि शेयर कर लिया जाए और दिखाया जाए कि यहाँ पर किस कदर माहौल है। ये शदीद तूफ़ानी बारिश हो रही है और रोड के किनारे बहुत ज़्यादा पानी जमा हो रहा है, कहीं कहीं तो आधी मोटरसाइकिल जनाब डूब जाती है। और बागों आमों के बाग में जा रहे हैं, आमों को वहाँ का रेट बताएँगे और मामला सारे। इनका असल में एक काम है और ये ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं। इनके फेसबुक पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं, वहाँ से तमाम रेट वगैरह पूछ सकते हैं और जितना भी ऑर्डर आपको चाहिए आप इनको बता सकते हैं और ये पाकिस्तान में कहीं पे भी डिलीवर करेंगे। मज़ीद तफसीलात आपको मैं बाद में उनका इंटरव्यू एक छोटा सा हम कर लेंगे जो इसी व्लॉग में आप देख सकेंगे। और इनके जो फेसबुक का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर इनसे रابطہ कर सकते हैं और अपना ऑर्डर बुक करवा सकेंगे जी। तो ये खजूरों का बाग है और ये सेम से थोड़ा पहले आता है फैसलाबाद में। सेम जो फैसलाबाद के रहायशी हैं वो जानते हैं कि सेम कहाँ पे है। और यहाँ पे फैक्ट्री एरियाज़ हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर हौजरीज हैं आगे चल के। तो ये जनाब बाग है और मुझे तो ठंड भी लगने लग गई है और मेरे पास कोई इंतज़ाम नहीं है मोबाइल को सेफ़ रखने का बारिश से, तो खुदा ना खास्ता इसमें कोई पानी का कतरा ना चला जाए। इस खर्चे के पैसे नज़र मैं इस वक्त व्लॉग को यहाँ पे पॉज करता हूँ और फिर कहीं रुक के आपसे बात करते हैं। दोस्तों, हम बाग के करीब पहुँच चुके हैं और वहाँ जाके हमारा प्लान है कि हमने तबाही फेर देनी है इंशाल्लाह ताला, हाथ झुक देनी है। शेयर कर लें गाँव की, ये फैसलाबाद के गाँव, ज़रा फैसलाबाद शहर से हट के यहाँ पे बारिश हो रही है और हम बारिश के अंदर जा रहे हैं। ये भी लोग जो अभी आ रहे थे ये भी उसी बाग में से आ रहे हैं जो परचेज करके। बाकी हुक्म से ये साथ में छोटी सी नहर है, नहर क्या है, ये तो खाला सा ही है। तो यहाँ से क्या है जी, ये सुहा, अच्छा जी सुहा बोलते हैं जी इसको फैसलाबाद की लैंग्वेज में। फैसल भाई आपका कि आपने मुझे फोर्स किया कि आपके साथ मैं चलूं और विज़िट करें और इन्जॉय करें इस जगह को। हाँ जी, तो ये बाग बहुत शुक्रिया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भरे पड़े हैं।
करना दिल ही नहीं कर रहा है। बंद कर देना, पॉज कर देना, ये आप लोगों के साथ ज्यादती होगी। उतरो जी उधर, अंब दिखाओ, अंब अंब दिखाओ। ये पार आ चुके हैं जी, जहाँ पे क्या हाल है? ये काम हो रहा जी यहाँ पे, पैकिंग हो रही है और यहाँ पे माल चुन चुन के ला रहे हैं। बारिश भी हो रही है और काम भी चल रहा है। यहाँ शिकारी कुत्ते भी ने आम पकड़ने के लिए बाग में गए हुए हैं जी, और शोर शराबा मच रहा है जैसे आमों का शिकार हो रहा हो। आमों को घेरा डाल रखा है, ये पता नहीं क्या है, खच्चर है, घोड़ा है, गधा तो नहीं है। आप लोग भी देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। भैंसे हैं जनाब, वाह। इसी माहौल की तलाश में तो मैं बड़े अरसे से था। बाग में पानी बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है लेकिन फिर भी आमों का शिकार जो है वो हो रहा है, और मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ। ये छोटी सी एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे आमों को इकट्ठा किया जाता है और इस तरह से पैकिंग की जाती है जी। तो दोस्तों ये एक आम मैं खा रहा हूँ इस वक्त, आप देख सकते हैं कि मेरी हालत इस वक्त क्या हो चुकी है बारिश में। बहुत ज़बरदस्त, इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट है, और क्योंकि ये पौधे पे पके हुए आम है, इनको मसाला लगाकर पकाया नहीं गया, इसलिए इनका टेस्ट बहुत डिफरेंट है। देख रहे हैं दोस्तों, मैं थोड़ा सा इधर राउंड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। लो जी जरा, अब हम बाग में बढ़ने लगे हैं, सुथने हमने टंग ली हैं, और ये हमारा बब्बू कुत्ता है। हेलो बब्बू कुत्ते, बब्बू कुत्ते के डॉगी कुत्ते, बब्बू कुत्ता। ये जनाब बब्बू कुत्ता बड़ा होशियार है, किसी भी भैंस वगैरह को इधर आने नहीं देता। पहले ये वाली गाय यहाँ तक आई है
और ये बब्बू कुत्ता उधर से भाग के इसने भगाया और ये वापस चली गई है। ठंड भी महसूस हो रही है। दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा और रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओह हो हो, जूता भी मेरा फिसलने वाला ही है, तो बड़ा देख सोच के ही निकलना पड़ेगा यहाँ से। मैं जा रहा हूँ जरा बाग के अंदर दोस्तों के साथ। ठंड भी लग रही है, बस दुआ कीजिए अल्लाह करे मेरे मोबाइल को कुछ ना हो, क्योंकि ना तो मेरे पास अम्ब्रेला और ना ही कोई रेन कोट टाइप चीज़ और ना ही मोबाइल के कोई सेफ्टी का इंतज़ाम। और इतना रिस्क उठाकर आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ यार, लाइक तो कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। अल्लाह अकबर। जूता आप मेरा देख सकते हैं, चाइना वाला जूता है और ये फिसलता बहुत है। वो कुत्ता, ये जामन है जी, जामन गिरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, जामन के दरख्त हैं। पाँव को जमा जमा कर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। चेक कर सकते हैं आप किस तरफ बारिश हो रही है अभी तक। शुक्र है कीचड़ तो ख़त्म हुआ यहाँ पे। वाह खूबसूरत। वहाँ पे थोड़ी सी एहतियात ना हुई तो जनाब, ओह शुक्र है मैं फिसल गया था, बच गया। ये देखें यहाँ से फिसलाऊँ। ओहो, अगर अभी भी आप वीडियो को लाइक नहीं ना करते तो फिर ये बहुत बड़ी ज्यादती है। किदा की मतलब आ, हाँ किदा ना की मतलब आ तेरा। देखे कितने लोग यहाँ से पहले भी फिसले हुए। ओ चैलेंज। ओए एदा होना वा, ये की गल है भाई, नहीं बारिश होन दी है तो मैनू भी पता, वेखण वालेयां नू भी पता लग ही गया, लेकिन हुण इस तरह होना वा बिल्कुल। ओ भाई मैं नहीं आना, नहीं नहीं चुक के नहीं लियानी, इहनू चुकांगे या काम करेगा। ओ यार किदां दा बंदा यार, दोस्तों देख लो किस तरह का काम करना पड़ रहा है मुझे। अब मैं इस बाग के अंदर कैसे घुसूं, कोई पाँव में लकड़ी लग सकती है और कोई लकड़ लुकड़ बाजेगी पैर च। लो जी कह
कह रहे हैं इतना तो मम्मी डैडी नहीं है, तो बस आ जा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जूता यहाँ पे रख दिया है और यहाँ से सफ़र का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए ओंडिया अल्लाह, ये देखो दोस्तों, वाह, मैं तो इस वक्त अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में हूँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। और ये दलदली इलाका है दोस्तों, बेयर ग्रिल की तरह मैं भी दलदली इलाके में फंस गया हूँ, लेकिन मैं आज आपको ऐसे तरीके नहीं बताऊँगा कि अगर आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं तो अपने आप को किस तरह से बचाने। वो खाले दे बिचों नहीं लंघन दिया तू दोस्तों, ये पानी है, लेकिन मैं इधर से नहीं जाने वाला, मैं तो इधर से जाऊंगा। ओह ये क्या चीज़ है, वाह, ये पता नहीं किस चीज़ का फ्रूट है, ये कोई सिट्रस फ्रूट लग रहा है मुझे, माल्टे का तो मौसम नहीं है, पता नहीं क्या है। ये देखो दोस्तों भरा पड़ा है, वाह, शुक्र है 100% थी मेरी बैटरी, अच्छा व्लॉग हो जाएगा, सारे मनाजिर कैप्चर करने हैं। आपको हमेशा लगता होगा कि यार व्लॉग कुछ बेहतर नहीं बनते, हमेशा कमियां रह जाती हैं। आज का व्लॉग इस तरह का है दोस्तों, को मेरा दिल नहीं कर रहा कि इसका एक भी जो लम्हा है वो लम्हा फिक्रिया बन जाए। फैसल बेच और खाले दे बेच लो टुरन दे हां दोस्तों, खाले के अंदर नहीं घुसना चाहिए मुझे, लेकिन मैं क्या करूं। अल्लाह दोस्तों देखो, ओ तो खैर वो किधर गायब हो गए भाई, पांव में भी बड़ा कुछ लग रहा है। दोस्तों यहाँ काफ़ी काम ख़राब है, कहाँ कहाँ तक पानी आ जाता है, भाई घुटने घुटने तक आ जाता है। आउच, पाँव में कुछ चुभा, कितने हैं तो खैर। ओह दोस्तों यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा गहरा है, मैं तो इससे निकलने में ही आफियत जानी है, पाँव में भी कोई कांटे वगैरह चुभ गए थे। ओह आम, ये आम भी नहीं ये खास ही हैं। चिबड़, अरे वाह, मैं भी कहूँ ये तो चिबड़ों की बेल लग रही है। दोस्तों अगर आपने भी चिबड़ नहीं देखे तो आज मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज इट, अरे वाह, बचपन में इनकी तलाश करते थे और इनको बहुत ज़्यादा हम खाते होते थे, ये खट्टे मीठे होते हैं और जहाँ पे पके होते हैं ये इस कदर खुशबू देते हैं कि अपनी तरफ ये बुला लेते हैं कि हम जी यहाँ पर मौजूद हैं। वाह ज़िंदगी बन गई आज तो दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत होंगे,
अल्लाह अकबर। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। देखो दोस्तों, पता नहीं पक्का भी है कि कच्चा है, कच्चा ही लग रहा है। अगर कच्चे कड़वे होते हैं तो, इसलिए अगर आपको कहीं ये मिले तो बराए मेहरबानी आपने इनको डाल देता हूँ अपनी पॉकेट के अंदर। बहुत सारी बकरियां ये पाँव में लग सकती हैं और मुझे चुप भी रही है घर के बंदे। ओ किथे हैं अब मकई दे बेच तू ज्वार दे। चिबड़ों की बेले दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी है। कभी अगर आपको इत्तफाक हो दरख्त पे पके हुए आम को खाने का, तो मैं समझता हूँ आपको फिर पता चलेगा कि आम का टेस्ट होता क्या है असल में। तो बाजार से हम लेते हैं, ये तो बस कोटा पूरी है, बाजार से लेकर खाने से आप कभी भी आम के असल जायके से वाकिफ नहीं हो सकते। और कहते हैं हाँ आम तोड़े जा रहे हैं, आम तोड़े जा रहे हैं। अब मैं चलता हूं और चल के तबाही कर देता हूं दोस्तों। इतने ना आ पैर दे विच वजन वाली बहुत शेवं इतने जरा ना मैनू चलना पेगा। अच्छा जी मलंग गए तो तेन इतने रख दिता जी, कदों लैके जाना फैसल? इधर आ, इधर आ अन्या, इधर आ, इधर आ। ओ थे दो आम खड़े हैं जी, बड़े ही बेहतरीन पके हुए। ये उतार दे जगह पे पीछे पीछे। अरे काफी देर से आम खा रहा था लेकिन मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था कि मैं आम खा रहा हूँ। वजह क्या थी? ओह मोबाइल कैमरे स्क्रीन पे पानी डिग गया था। फिर मुझे याद आया मैं अपने तरीके से तो खा ही नहीं रहा हूँ। अपने भाजी मैं तो छिलके सटना ही नहीं दिया, यही तो तरीका वा मेरा बचपन तो। ऐसा ना हम कहाँ फिर मेनू चस नहीं आती।
गुठली नाम दे पाड़ ला बेटा सिर पाड़ देगा वेरी जूसी केड़ा खोता अंब केड़ा अंबा खोता खोता होंदा अंब अंब होंदा साथ साथ आम खा रहा हूँ साथ साथ पेड़ गिन रहा हूँ वैसल में केड़े काम आया या खाना है या बनाना है जो तो गल ही ठीक है तो गल मुक गई फैसल लेता जो तक सीजन ना ना मुके तू मैनू ले ही फिर इत यार ए भी तो डिगा वा आह भी खराब वाह भाजी देख दे पता लग गया तुनू कहे तुम चुकी जाओ तो असं चुकी जाने अल्लाह देखो जी मेरे पैर का हार फिर चुलक चुलक करनी पैनी है सामने पीले जर्द माशाल्लाह बहुत सोने ओ भी माशाल्लाह
इंजॉय भी कर लिया है। तो अब हम जो है यहाँ से वापसी का सफ़र, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है और अभी मतलब किसी भी वक्त जाना पड़ सकता है। क्लास पता नहीं पहुँची है नहीं पहुँची है, क्योंकि बारिश हो रही है, स्टिल हो रही है और हल्की हो चुकी है और पानी बहुत जमा हो चुका है। और देखते हैं अभी कोई पहुँचा है नहीं पहुँचा है, बहरहाल मुझे तो तैयार रहना होगा। तो अभी वापसी का सफ़र कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपने भी उतना इंजॉय किया होगा शायद कि जितना मैंने यहाँ पे किया है, बल्कि मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा किया होगा, क्योंकि यहाँ पे फिसलने का खौफ और ये सारी चीज़ें मुबदना खा के आप खा नहीं सके और मैं खा भी चुका, मैं मज़े भी कर लिए, बस ये तो मज़े जनाब चलते रहेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें।